नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज बात करेंगे बिहार में हो रही बच्चों की मौत के बारे में। बिहार में जो बच्चों की मौत हो रही है वह राष्ट्रीय आपदा का विषय होना चाहिए, राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी हेल्थ की दृष्टि से हेल्थ आपातकाल लगना चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी लगना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और कहीं कोई खबर नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है। ना नरेंद्र मोदी कोई बयान दे रहे हैं, ना नीतीश कुमार कोई बयान दे रहे हैं और ना स्वास्थ्य मंत्री कोई बयान दे रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमारे राजनेता चुप हैं? एक तरफ तो हम बात करते हैं चंद्रमा पर जाने की कि इसरो किस तरह से तरक्की कर रहा है और हमारा इनसेट हमारे उपग्रह चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। चमकी बुखार, जी हाँ, चमकी बुखार नाम बताया जा रहा है, जिसका शिकार होकर लगातार 150 से अधिक बच्चे मौत के मुंह में समा चुके हैं। आज ही 5 बच्चों की मौत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से लेकर बिहार राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक जो बयान दे रहे हैं वह किसी को गले नहीं उतर रहा है। आखिर इस बीमारी की वजह क्या है यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, और डॉक्टर इस बीमारी की रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की मौत को क्यों नहीं रोका जा रहा है, यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से नीतीश सरकार जो कि सुशासन की सरकार कही जाती है, तो वहां ये कुशासन कैसे हो रहा है और उसके शिकार बच्चे कैसे बन रहे हैं? बिहार में समय खासकर मुजफ्फरपुर में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर लगातार बच्चों की मौत हो रही है, सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं और बच्चों के बीच, उनकी माँ के बीच, उनकी माताओं के बीच, उनके परिवारजनों के बीच एक ही सवाल सबसे बड़ा गूंज रहा है कि अगर उनका बच्चा कल से इस बीमारी का शिकार होता है तो वह बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। सरकार की नाकामी की हद यह है कि न तो अभी तक एम्स से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और न ही देश के बड़े अस्पतालों ने अपने विशेषज्ञ वहां पर भेजे हैं जो इस बात की जांच कर सकें कि आखिर बच्चों की मौत क्यों हो रही है। बच्चों की मौत पूरे देश को हिला देने वाली घटना है। आखिर इतने सारे बच्चों की मौत का मामला कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, न उन्होंने कोई निर्देश दिए हैं कि मुजफ्फरपुर में, बिहार में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जानी चाहिए और तुरंत इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे इस तरह से क्यों मर रहे हैं, उनकी मौत क्यों हो रही है, ये कौन सी बीमारी है जो इतनी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग लाचार साबित हो रहा है, डॉक्टर लाचार साबित हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री लाचार साबित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री लाचार साबित हो रहे हैं और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मौत का हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ रुदन हो रहा है, मौत का रुदन हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह मौत का सिलसिला कब थमेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इस पूरे मामले को लेकर विदेशों से क्या मदद नहीं ली जा सकती? अमेरिका में इलाज कराने के लिए हमारे मंत्री तुरंत दौड़ जाते हैं, लेकिन 150 से अधिक बच्चों की मौतों पर न तो अमेरिका से कोई विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, न लंदन से बुलाया जाता है और न ही अन्य विकसित देशों से कोई विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं। क्यों आखिर इन बच्चों को लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, यह सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा है। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।